करना कब तक कर परेशान हो गए हम 2.5 साल से। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वर्कशॉप प्रेम भाई के हमारे, और देखो सारे कैसे तैयार हो रहे हैं। ये देखो हमारे कुंद्रा भाई स्टाइल मार रहे स्टाइल। चलो भाई चलो जल्दी चलते हैं। तो हम लोग लेट हो रहे हैं और हमारे कुंद्रा वाले भाई को जूता पॉलिश कराने हैं, स्टाइल मारना है। देखो जूते ट्रीटमेंट जरूरी है चीजों, कोई ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है, सारे स्टाइल मारने के बहाने हैं इनके। चलो बूस्ट होने के लिए कोई कुछ चाहिए, एनर्जी ड्रिंक वगैरह कुछ? कुछ नहीं, बड़ा आज का पूरा दिन आपका बड़ा शेड्यूल है, थोड़ा सा ऐसे हार्ड रहेगा। वी वांट समथिंग लाइक बियर, फ्रूट जूस। हां फ्रूट जूस। तो फाइनली अभी हम पहुंचने वाले हैं, मेन बंदा कहां है? मेन बंदा तो हमेशा हमारे पीछे रहता है पूरा, मतलब हम मेन नहीं है। अरे मेन यार आज के लिए तो मेन वो है ना, चेक करने थे बाल, चेक करने तोड़ दे आज के लिए मेन प्रेम। आज का बादशाह वो है। हम वाली लो ये बंदा बोलो बच्चे खड़े सारे। हां ये खड़े लो, मैं तुम्हारे ये सारे बच्चे खड़े हो गए। इसके कपड़े को इसके ये जो हार्डबोर्ड है इसके ऊपर स्ट्रेच करके सर नीचे से इसको चिपकाया होता है, ठीक है ना? तो कभी कभी क्या होता है, कैनवास जो होता है उसके ग्रेन्स जो होते हैं थोड़े से रफ होते हैं, ओके? और रफ ग्रेन्स के ऊपर अगर हम कलर लगाते हैं तो उसकी छोटे छोटे ग्रेन्स को फिलअप करने में ही हमको ज्यादा टाइम लगता है। ये ना हो थोड़ा सा वो इसके लिए स्मूथ करना पड़ता है, और उसके लिए इसका यूज होता है, इसको बोलते हैं जेसो। एक तरह का अप्लायर होता है, जैसे आपने दीवारों पर देखा होगा कि ये दीवार जो है काफी चिकनी हो गई, पहले क्या हुई थी उसको थोड़ा सा रफ उसके ऊपर थे ना, तो वो पुट्टी से अप्लाई करने के बाद वो क्या हो गई, अभी स्मूथ हो गई। सेम वैसा अप्लायर इसके ऊपर जैसे करते हैं ना, वैसे हम कैनवास के ऊपर ये जेसो का अप्लाई करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। और इसकी जो क्वांटिटी है, आपको जितना स्मूथनेस चाहिए जितना आप लगाएंगे उतना ही स्मूथ हो जाता है, ठीक है ना? मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं महाराष्ट्र से हूँ इसलिए। जैसे कि ये ऑयल है जल्दी सूखता नहीं, मैंने बोला है ना, आप बोलेंगे यार सूखने के लिए कितना टाइम लगता है, पेंटिंग सूखने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए ऊपर की जो लेयर होती है ना, अगर एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस है तो आपकी जो पेंटिंग है 2 या 1 दिन में भी सूख जाती है ऊपर वाली लेयर, लेकिन पेंटिंग जो होती है अंदर से गीली होती है, पेंटिंग को अंदर से भी सूखने के लिए 1 या 2 साल लगते हैं। एंगल क्रिएट कर रहे हैं ना, फिर ये और ये इसका आपस में क्या कनेक्शन है, एक शेप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये जो है ना एक यहाँ पे क्या करें, शेप क्रिएट कर रहे हैं। प्रेम दुकान लग गई है, दुकान लग गई, दुकान ऐसा लग रहा है। आप क्या ले रहे गुरु जी? आशीष तो फाइनली भी वाइंड अप हो चुका है, ठीक है भाई वाइंड अप हो गया है। एक मिनट रुक, तो बोला तो कर, मैं मुझे ठीक कर लूँ। सो गाइस गिफ्ट मिला है हमें किसकी तरफ से, नाम तो बताओ मेरे को। रवि की तरफ से गिफ्ट मिला है बांसुरी, ठीक है? और हमें वैसे बजानी नहीं आती लेकिन हम बजाएंगे, सीख लेंगे, ठीक है? सीख लेंगे। जीवन में कुछ अच्छे काम कर गोयल, जो तुझे भी गिफ्ट मिले, ये देख गिफ्ट। चला कैसा लगा तुम्हें? बहुत मज़ा है। पहला दिन एकदम बेस्ट, अच्छा आगाज हुआ है ऑयल कलर का। अच्छा हुआ, कैसे हो सर? बहुत ज़्यादा अच्छा था और रहेगा हमारे लिए। कैसा लगा आज? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ सबसे ठीक है, बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। क्या कह रहा है सुजीत? आई लव यू टू। तू क्या बोलना चाहेगा ये बता। ये भाई हमारा मॉडल था, तू बोल दे आई लव यू टू। ये मॉडल है, इतना सीरियस बैठा था, इतना सीरियस से डर लग रहा था मुझे। लव यू टू यार, ये नई नई गाड़ी कलाकार, तुम क्या कहना चाहते हो? आई लव यू टू। सो गाइस ये हमारे सामने एमके गोयल हैं। आपको मैं बता दूं कि ये दिल्ली से ही हैं और दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली के बादशाह हैं। और ये जो दिल्ली के बादशाह हमारे, अभी हमने मतलब 2 ट्रेनें निकाल दी यहाँ से ना, दो मेट्रो चली गई,
लेकिन ये बाबूजी टोकन लेने में बिजी थे, इन्होंने मेट्रो का कार्ड नहीं बनवा रखा। आपका चेला नीचे लड़ रहा था सिक्योरिटी गार्ड से, उसको बचाया मैंने भी। कौन सा चेला था? वो मोटू वाला शुभम। हाँ, वो लड़ गया उससे गार्ड से। चेला किसका है? तो गाइस पहले तो इसका हमने अभी जब अभी इसका कार्ड बनवाना है, हमने चंदा इकट्ठा किया है, हमने गोयल टोकन बताओ। ये देखो सच्चाई, मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, इस आदमी की आंखों में सच्चाई देखो तुम। ए मार देता, लेकिन ये मार देता। ये मेरा चीता है, देख। हाँ, तेरे चक्कर में छोड़ दिया। हम हैं शांत स्वभाव के आदमी, हम सिखाते हैं क्या जो गांधी जी सिखाते थे क्या? ये एक मिनट, गांधी जी सिखा देगा ये, दूसरा ये। इसके बाद गांधी जी ने हमको नहीं सिखाया। तो जो भी है, लड़ाई लड़ाई ली, लड़ाई करते लड़ाई लड़ाई माफ करो, इसके आगे हमको नहीं आता है। हम निकल चुके थे। हेलो गाइज, इनके सामने ना मेरे को मन नहीं करता कुछ बोलने का। अच्छे प्रवक्ता के सामने दूसरे प्रवक्ता नहीं बोल पाते हैं। ये जब एनडीटीवी वाला बैठा हो तो ये आज तक वाला नहीं बोल पाए। ये गलत जा रहे हैं आप। नहीं, गलत जा रहे हैं। बैठ रही है, आशीर्वाद है। मैं कह रहा हूँ मंदिर बन क्यों रहा है? आशीर्वाद है। मतलब शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही, मंदिर क्यों बन रहा है ये बताइए। गलत जा रहे हैं, बेरोजगारी की बात जा रहे हैं। केजरीवाल जी यहाँ पर आप बोलेंगे सर? बोलो ना, वो तो करो ना, तो कर ना। करते कर परेशान हो गए हम 2.5 साल से। हम भी बैठे हैं, ये भी परेशान, हम भी परेशान। कबो बिरयानी, कबो बिरयानी, कबो बिरयानी, कबो बिरयानी, कबो बिरयानी वाला क्या डायलॉग दे रहा है? अरे अरे, थोड़ा दूर से चाय मांगा था, पानी नहीं। चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था। तो भाई साहब जाम चल रहे हैं। ये है डीएलएफ फेस, कौन सा भैया? डीएलएफ फेस वन, ये है डीएलएफ फेस वन। और यहाँ देखो सारे ना मस्त मस्त घर हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं। सोच रहे हम अपना स्टूडियो यार, ये घर देखो यार, ये घर देखो। तो सीरियसली यार, अपना होगा ना कभी ऐसा? एक ऐसी नेम प्लेट लगाएंगे एमके गोयल, ओ भाई साहब मस्त लगेगा। प्रेम वाले का भी मेरे घर के बगल में, मेरे घर के बगल में, ठीक है? वो तो वक्त बताएगा। ओ भाई बहुत बढ़िया स्टूडियो, बहुत बढ़िया। अपना कुंद्रा भाई का स्टूडियो ये, बहुत तगड़ा स्टूडियो यार। पीछे काम देखो, ये मेरे काम है, ये देखो बहुत पहले काम है। ये बहुत पुराने काम है हमारे कुंद्रा भाई के, ये बल्ब पे किया था किसी ने, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ हिरन भी है बेटे, और ये देखो ये अंदर से सिटिंग एरिया अपना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब का वॉशरूम। ये किसकी पेंटिंग है? ये देखो भाई, चाय मिल रही है हमें कुंद्रा जी की तरफ से। कुंद्रा जी ये तू पी ले, खुद तो काज कुंद्रा जी, तू कुंद्रा जी, यस थैंक यू सो मच। ले थैंक यू भाई। अरे इधर भी दे, उनको दे दे बच्चियों, क्या वाला काम दे दे। बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी मीठी हो गई है। बहुत बढ़िया चाय, बहुत बढ़िया। और आज के दिन की सबसे खूबसूरत बात, हमारे कुंद्रा भाई खाना बनाना जानते हैं। लो मैं दिखाता हूँ, ये देखो शेफ है ये। ओ भाई साहब यार, ये देखो कितनी सारी रोटियां बनाई है। किस काम का भाई काम? हाँ ये भाई यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच भाई। मुकेश भाई ने इतनी रोटियां बनाई और ये बन गई सच में। ये वही लड़का है बताइए कि जिसने पेंसिल वाला चैनल शुरू करवाया था। ओ अच्छा भाई, ये वो भाई साहब है जिन्होंने पेंसिल वाला चैनल स्टार्ट करा है, और आप जो आज मॉडल थे, जो खाना भी बनाते हैं। एजुकेशन जो आप तक पहुंच पा रही है वो इन्हीं की वजह से पहुंच पा रही है। चलो थैंक्स टू मुकेश भाई, मैं इंटरेस्टेड नहीं था YouTube में। हाँ थैंक्स टू मुकेश भाई एक दिन। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।